आत्मष्टकम पे परफॉर्मेंस है। एक बार तालियां जरूर जोर से बजा दीजिए।
तालियां रुकनी नहीं चाहिए। आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि विदेशी भाई बहन हमारा ही नृत्य हमारे सामने कितना बखूबी पेश कर रहे हैं। तो एक बार आप दिल से तालियां बजाइए। So I would like to invite all the Yogdhara team, please come on the stage. सभी उपस्थित भाई बहनों का, सज्जनों का, हम लोग योगधारा की टीम की तरफ से और सहयोग सामूहिकता की तरफ से हार्दिक स्वागत करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, योगधारा टीम में ये सभी विदेशी भाई बहन सहजी कलाकार 7 देशों से हमारे बीच पधारे हैं। रशिया, यूक्रेन, बेलारूस, लिथुएनिया, चाइना, जर्मनी, फ्रांस और बहुत जल्दी हमारे साथ ऑस्ट्रिया और चाइना भी ज्वाइन करने वाला है। तो आज मैं जानना चाहता हूं कि आज पहली बार कौन आया है यहां पे, जो सहयोग पहली बार अटेंड कर रहा है प्रोग्राम। सो जो बहुत ज़्यादा पीछे बैठे हैं, मैं चाहूँगा कि वो आप आगे आके प्रोग्राम अटेंड करें ताकि आप इसका ज़्यादा अच्छे से लाभ उठा सकें। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये योगधारा टीम बहुत 7 कंट्री से हमारे इंडिया में आए हैं, जो कि योग भूमि है, और यहाँ पे योग का प्रचार प्रसार करने ये यहाँ पे आपके बीच उपस्थित हुए हैं। ये 5 मार्च से 25 मार्च के बीच टूर अलग अलग जगहों में होने वाला है। हमने सबसे पहले दिल्ली में स्टार्ट किया, वहाँ प्रिजनर्स जेल में भी कॉन्सर्ट किया। तो जेल में जो प्रिजनर्स थे, उन्होंने कॉन्सर्ट के बाद में जैसे वो चेंज हो गए, बिल्कुल ट्रांसफॉर्म जिसको हम कह रहे हैं, ट्रांसफॉर्म हो गए। और उसके बाद हम लोग शामली गए, उसके बाद आज हमारा कल पटियाला में प्रोग्राम था, आज मंडी गोविंदगढ़ में प्रोग्राम था, और इसके बाद आज हम उपस्थित हुए आपकी बहुत ही शानदार सिटी में, लुधियाना। तो आइए हम इस प्रोग्राम की पहली प्रस्तुति आपके सामने पेश करते हैं, जो कि एक भजन है, गणेश भजन। एक सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए, क्योंकि न्यू कमर्स बराबर आ रहे हैं, फिर बाद में उनको दिक्कत होगी। जो पुराने सहयोगी हैं, अगर वो पीछे जाने में आपत्ति ना हो तो वो कृपया पीछे चले जाएं। न्यू कमर्स को आगे आ जाने दीजिए। जो लोग भी आज पहली बार आए हैं, उनको कृपया आगे आ जाने दीजिए।
हेलो हेलो हेलो, जो लोग भी आज जो लोग भी आज पहली बार आए हैं वो कृपया आगे आते जाएं। जो भी न्यू कमर्स आ रहे हैं तो लुधियाना के सहयोगी से विनती है कि वो कृपया पीछे ड्यूटी ले लें। जो लोग भी आज पहली बार आ रहे हैं उनको खुद आगे लेकर के आए। अगर जेंट्स वाली साइड पे जगह खाली है तो प्लीज लेडीज को उधर बैठा दीजिए। तो आप जानना चाहेंगे ये सब भाई बहन किस कंट्री से हैं? तो मैं इनको माइक देना चाहूंगा। और क्या आप हिंदी सुनना चाहेंगे इन भाई बहनों से? So Thomas, can you tell something? Namaste. मेरा नाम Thomas है और मैं लिथुआनिया से आया हूँ, ईस्टर्न यूरोप। और आप सभी लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। Hello, namaste. My name is Alexey. I'm from Ukraine, and I practice Sahaja Yoga 7 years, and very happy to be in this land of yoga, India. Hello, my name is Emizis. I'm from Lithuania. I practice Sahaja Yoga for 2 years, and I'm getting better in meditation state. Hello, my name is Lada, and I'm from Russia, St. Petersburg. Hello, my name is Maria, and I'm from Ukraine. Hello, my name is Sergei. I'm from Russia, and I'm very glad to see you. So much yogis in beautiful town, beautiful ashram. Hello, I'm Katya, and I'm from Germany. Hello, I am Lena. I'm from in Ukraine. Hello, I'm Dima. I'm from Ukraine, and I'm very happy to see you all here. Hello, my name is Sergey. I'm from Ukraine. My name is Naira, I'm from Brazil. Namaste, my name is Alicia, and I'm from Belarus. I am Alena from Ukraine. Hello, my name is Alfia, and I'm from France. Hello, my name is Lira, and I'm from Ukraine. So he's saying, we welcome you all in India. So let's start the first performance of the day, Ganesha Bhajan.
Ganaraya, Sri Ganaraya, Mangala Murti Morya. Jai Ganaraya, Sri Ganaraya, Mangala Murti Morya. Jai Ganaraya, Jai Ganaraya, Sri Ganaraya, Sri Ganaraya, Jai Ganaraya, Jai Ganaraya, Sri Ganaraya, Sri Ganaraya, Jai Ganaraya, Sri Ganaraya, Mangala Murti Morya. Jai Ganaraya, Sri Ganaraya, Mangala Murti Morya. लुधियाना वालों कैसा लगा ये परफॉर्मेंस? आ रहा है ना पंजाबी जोश? तो इसके आगे हम अगली प्रस्तुति, एक और भजन है वो है, सो नेक्स्ट जो कि अगली प्रस्तुति है वो है श्री जगदम्बे आईरे।
Yeah.
बहुत ही बढ़िया। तो कैसा लग रहा है विदेशी भाई बहन आके हमारे ही भजन गा रहे हैं? तो इसके आगे मैं आपको एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा सहज योगा के बारे में। जो सहज योगा है, सहज मतलब सरल और योग मतलब एक घटना है जो हमारे अंदर घटित होती है, जिसे हम लोग पहली स्टेप में आत्म साक्षात्कार कहते हैं। तो आज जो भी आज नए लोग आए हैं उनको इस कार्यक्रम के द्वारा आत्म साक्षात्कार की अनुभूति दी जाएगी। तो जैसा एक आप सामने चार्ट देख रहे हैं लेफ्ट साइड में, कृपया कोई एक जना खड़े हो जाइए थोड़ा चार्ट के सामने। सो लुधियाना की तरफ से एक छोटा सा प्रेजेंट सभी के लिए आया है, सो थैंक यू एवरीवन। जय श्री माता जी। पंजाबी कल्चर में ये एक बहुत बड़ा सम्मान है जो किसी को भी दिया जाता है। ये लुधियाना पंजाब की कलेक्टिविटी की तरफ से सभी भाई बहनों के लिए जोरदार तालियां एक बार। सभी भाई बहनों से जो आज पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है अपने हाथ खोल करके बैठें। और सहज योगा की सुंदरता ये है कि आप देखेंगे कि बिना कुछ ज़्यादा बताए और समझाए हुए आपको परमात्मा का अनुभव मिलना शुरू होता है। अभी तक हमने परमात्मा की बात करी है, परमात्मा से जुड़ने की बात करी है, उसका ध्यान पूजा पाठ की बात करी है, लेकिन उसके अनुभव की बात नहीं करी। और सहज की सुंदरता ये है कि यहाँ पर हमें अनुभव की बात करनी भी नहीं पड़ती। आप सिर्फ अपने दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ खोल के बैठिए और जैसे जैसे आप इस संगीत को एंजॉय करना शुरू करेंगे, आनंद लेना शुरू करेंगे, आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी अवस्था ऐसी बनती जाएगी कि उसके बाद सिर्फ एक प्रार्थना मात्र से आप अपने जीवन के जन्मों के लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। भजन नीतीश जी एक और करवा दीजिए। तो नेक्स्ट भजन है जोगवा, जिसके बारे में मैं चाहूंगा कि हमारे बीच जो विदेशी भाई हैं वही आपको समझाएं। सो माशा कैन यू टेल अस अबाउट द जोगवा? आई विल ट्रांसलेट फॉर यू। सो नाउ वी विल परफॉर्म द भजन जोगवा। इट्स वेरी एंशिएंट सॉन्ग एंड एथनिकल इन सम वे। सो इन दिस वर्ड्स वी हैव दिस मीनिंग that during all my life I was looking for something, and when I got my self-realization and when I feel this connection between God and me, I found the sense of my life. So when we do like this during performing this bhajan, it means that we help our kundalini rise. So you can do the same. Okay? I'm gonna
सुंदर प्रस्तुति। इसके बाद में हमारे कार्यक्रम का सबसे मुख्य भाग जो कि है आत्म साक्षात का, तो मैं विवेक भैया से कहूंगा कि कृपया वो सभी को बताएं रिलेशन के बारे में और सहयोगा के बारे में। जय श्री माता जी। सभी लोगों का स्वागत है। कितने ऐसे भाई बहन हैं जो आज पहली बार आए? बहुत बड़ा नंबर है। सहयोगा में तो हम कहते हैं कि हम बहुत बड़ा भी प्रोग्राम करें तब भी दो या चार साधक आते हैं, तो बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि आज इतने सारे साधक हमारे साथ बैठे हुए हैं। सहयोगा के बारे में ज़्यादा बताने का कुछ नहीं है, क्योंकि हम सब किसी ना किसी धर्म को मानते हैं और किसी ना किसी कारण से धर्म में रहते हैं, परमात्मा का स्मरण करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। उद्देश्य और लक्ष्य चाहे छोटे छोटे हों, बट हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे किसी ना किसी कारण से जाते रहते हैं। बचपने में तो आदत डाली जाती है, माँ बाप सिखाते हैं कि ये हमारा धर्म है और हमें ये करना है, और जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं वो हमारे रगों में रच बस जाता है। हमें कारण नहीं पता होता कि हम मंदिर क्यों जा रहे हैं, पूजा पाठ क्यों कर रहे हैं, लेकिन हमें ये होता है कि अगर हम मंदिर जाएंगे, मस्जिद जाएंगे, गुरुद्वारे जाएंगे तो शायद हमारी ज़िंदगी बेहतर रहेगी, यही एक कारण है। तो आप ज़्यादा, हम आपका समय नहीं लेंगे, आप देख रहे हैं कि कितने देशों से लोग आकर के बैठे हैं। इसी तरीके से 170 देशों से 170 से भी ज़्यादा देशों में सहयोग चल रहा है, और सबके जुड़ने का कारण भी वही होगा जिसके लिए आज तक हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जाते रहे। कारण तो वही है कि हम एक बेहतर जीवन को प्राप्त करें, सुखी रहें, हमारी ज़रूरतें पूरी होती रहें, हमारी डिमांड जो रोज़ बदलती हैं। आज अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, बीमार पड़ जाते हैं तो परमात्मा से कहते हैं सेहत ठीक कर दे, जब सेहत ठीक हो जाती कहते पैसा दे दे, जब पैसा ज़्यादा आ जाता है तो कोई और डिमांड शुरू हो जाती है। हम खुद इतने कन्फ्यूज़ हैं, हमें पता ही नहीं हमें परमात्मा से चाहिए क्या। नित्य प्रति एक नई ख्वाहिश, एक नई डिमांड हम लेकर के परमात्मा के पास जाते रहते हैं, और हम सोचते हैं कि हम परमात्मा के पास जा करके एहसान करते हैं कि साहब हम तो रोज़ मंगलवार को मंदिर जाते हैं,
सोमवार को जाते हैं, बुधवार को जाते हैं, कोई भी कारण हो, सहज योगा की सुंदरता यह है कि सबसे बड़ी बात कि ये नीरस नहीं है। भगवान के सामने हमने सीरियस होकर के नहीं बैठना। शमाता जी ने कहीं पर भी हमें सीरियस होने के लिए नहीं कहा। एक अच्छा जीवन सहज में कैसे मिल सकता है? सहज योग कोई संस्था नहीं है, सहज योगा कोई धर्म नहीं है, कोई नया कल्ट नहीं है। सहज योगा एक ऐसा रास्ता है जो हमें बेहतर जीवन देता है, खास करके उन परिस्थितियों में जिसमें हम रह रहे हैं। हमें यह नहीं है कि हम हिंदू हैं तो हमें हिंदू से हट करके सहयोगी बन जाना है, या हम मुसलमान हैं तो हम मुसलमान नहीं रहेंगे सहयोगी हो गए, या हम इंजीनियर हैं तो जब हम इंजीनियरिंग छोड़ देंगे, अपना घर बार छोड़ देंगे, बीवी बच्चे छोड़ देंगे, तब हम सहयोगी होंगे। ऐसा कुछ नहीं है। आप जो हैं वो ऑलरेडी बहुत अच्छे हैं, बस उसमें और बेहतर कैसे हम जीवन जी सकते हैं। अगर हम इच्छाओं की बात करें तो वो एंडलेस है। हम किसी भी धर्म में चले जाएं, हम किसी भी गुरु को मान लें, कुछ भी कर लें, क्या हम ये कह देते हैं कि साहब हम इस जगह पे गए थे, हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो गई? हो सकता है मोमेंटरली पूरी हो जाती हो, 10-15 मिनट के लिए, 10-15 दिन के लिए, महीने दो महीने के लिए, फिर हम वहीं खड़े होते हैं। दिमाग तो शैतान है, कुछ ना कुछ चाहिए उसको नया। सहज योगा में ऐसी क्या विशेषता है जो हम सहज योगा को अपनाएं या सहज योगा हमें दोनों ही चीजें सहज योगा की जो सबसे बड़ी सुंदरता है या विशेषता है या जो ये हमें बाकी चीजों से थोड़ा सा एक एडिशनल एज देती है कि यहां पर हमें कुछ भी पाने के लिए कुछ विशेष प्रयोजन नहीं करना, स्ट्रगल नहीं, हमें कुछ करना ही नहीं है। आप देखिए ना, जिंदगी की सबसे जरूरी चीज है सांसों का चलना। जब रुकती है तब करना है, तब बहुत कुछ करना पड़ता है। तो उसी प्रकार सहज योगा की विशेषता यह है कि ये आपको जो जीवंत शक्ति है परमात्मा की, उसके साथ जोड़ देती है। डायरेक्ट डील कहिए, या एक ऐसी डील जिसमें आप अपने आप को ढूंढने की कोशिश करते हैं। आज तक हमने दुनिया की हर चीज ढूंढने की कोशिश करी, दूसरों के बारे में जानने की कोशिश करी, लेकिन अपने बारे में कभी नहीं जाना। कुंडलनी की शक्ति, जिसके बारे में श्रीमाता जी ने बताया है कि मैं कुछ नहीं करती, मैं आपके अंदर की वो शक्ति जागृत कर देती हूं। मानिए इस हॉल को पूरा हम अंधेरा कर देते हैं पूरा, और किसी से भी कहा जाए कि आप जाकर के कोई सामान उठा के लाइए, तो हम प्रयास तो करेंगे बट चोट भी खा सकते हैं। हो सकता है सही सही उठा के ले आए, हो सकता है खुद भी घायल हो और चार लोगों को घायल भी कर दें। श्रीमाता जी ने बताया कि मैं आपके अंदर की वो शक्ति जागृत कर देती हूं, और उस शक्ति के जागरण के बाद आप अपनी सारी चीजों को खुद ठीक करना शुरू कर देते हो, और उसके लिए कोई विशेषता की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए सिर्फ एक आवश्यकता है कि एक बार हमें उस विशेषता वाले दर्जे से नीचे उतर के एक सामान्य दर्जे में आना पड़ता है। हमें यह सोचना पड़ता है कि हाँ, शायद अभी तक हमने अपने जीवन में वो नहीं पाया जिसके लिए हम आए थे। हमने दुनिया में बहुत कुछ जान लिया, लेकिन अगर हम एक सच्चाई देखें, क्या आज तक हम अपने आप को जान पाए? हम इंजीनियर नहीं होते, डॉक्टर नहीं होते, लॉयर नहीं होते, तो कुछ ना कुछ तो होते ही ना। हिंदू नहीं होते तो मुसलमान होते, लेकिन वो सब कुछ होकर के भी जब वो एक में वह सत्य हमारे और आपके अंदर से निकल जाता है, फिर हम क्या रह जाते हैं? शरीर तो वही है, सुंदरता वही कायम है कुछ क्षणों के लिए, दिमाग भी वहीं पे है, फिर वो क्या था जो हम थे जो उससे अलग हो गया? और जब तक हम जीवित रहते हैं, हम कभी भी अपने आप को उससे अलग नहीं कर पाते। अपने मन बुद्धि शरीर, इसके लिए हम पूरी जिंदगी झूठ सच पता नहीं क्या क्या कुछ करते जाते हैं, लेकिन जैसे ही हम उससे अलग होते हैं, हमारे हाथ में कुछ रह नहीं जाता। श्री माता जी की यही सुंदरता है, यही बहुत बड़ी विशेषता है कि अपने सर्वसाधारण जीवन में रहते हुए, अपने सारे कामों को, अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए, बिना बाहर से कुछ बदले, आप अंदर से परिवर्तित होते हैं। और इसके लिए आप विश्वास मानिए, हम आज आपके सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं, नीतीश जी हैं, वो भी आपसे सहज की बात कर रहे थे, कोई विशेष नहीं है। ये एक ऐसी चीज है, मानिए आपको कोई चीज बहुत अच्छी उस पे मिल जाती है, कीमत पे मिल जाती है, आपको मालूम है बहुत अनमोल चीज है,
तो आप चार लोगों को उसको प्रयास करते हो कि चार लोगों तक इसको हम पहुंचा दें, मैसेज दे दें कि भाई यहाँ पर बहुत अच्छी चीज मिल रही है, ठीक है। मंदिरों का, मस्जिदों का, गुरुद्वारों का, जो लोग रात दिन मेहनत कर रहे हैं उनका कारण क्या होता है? उनको ये होता है कि मैंने इस जगह से बहुत कुछ पाया है, आप भी आकर के पा लीजिए। सहज योगा की भी यही विशेषता है कि आज से कुछ समय पहले हमें यह सत्य मिला और इसमें विशेषता यह थी कि कोई रुपया पैसा नहीं लगना, कोई बाहरी परिवर्तन नहीं होना, और उससे भी मजेदार बात यह है कि आपने कोई विशेष प्रयास पूरी जिंदगी नहीं करना। और जो सबसे बड़ा आशीर्वाद यह है कि ये शक्ति जब जाग जाती है तो ये आपके सारे सिस्टम को ठीक करना शुरू कर देती है। हम कहते हैं ना, हमें बीमारियां ठीक करनी है, हमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम ठीक करनी है, हमें मेडिकल प्रॉब्लम्स है, हजारों चीजें हैं जिसके लिए हम पूरी जिंदगी दौड़ते रहते हैं। ये वो सिस्टम है। अब थोड़ा सा चार्ट इधर को बनाता हूं, सिर्फ ज्यादा से ज्यादा आप लोगों के 5 मिनट और लगेंगे और कुछ भी नहीं। ये वो सिस्टम है जब हम माँ के गर्भ में होते हैं, जब हमारा धड़कन भी नहीं शुरू ही हुई होती है, हमारे अंदर हम एक मांस के टुकड़े के रूप में होते हैं, तो परमात्मा की वो शक्ति जो सारे जीवंत कार्य कर रही है, हमारे तालु भाग को स्पर्श करती है, क्योंकि तब तक कुछ बना नहीं होता, वो तालु भाग के ये एक मांस के टुकड़े को स्पर्श करती है, और स्पर्श करते ही वो शक्ति 3 हिस्सों में बट जाती है। एक नीले रंग की आप नाड़ी देख रहे हैं, एक सटल शरीर समझ लीजिए, जो एक शरीर आप बाहर से देख रहे हैं ऐसे ही एक शरीर अंदर है हमारे, जो इस शरीर का निर्माण करता है। वो शक्ति अंदर उतरती है, ये एक दिमाग वाली बात है, बुद्धि वाली बात है, इसका कोई महत्व नहीं है, सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन है। वो उतरती है हमारे अंदर, इच्छा की शक्ति को जन्म देती है, उसके बाद वही शक्ति हमारे अंदर उतरती है, हमारे अंदर क्रिया की शक्ति को जन्म देती है, क्योंकि इच्छा करने से कुछ मिलना नहीं है, उसके लिए प्रयास करना है। तो इडा नाड़ी, चंद्रमा की नाड़ी, लेफ्ट नाड़ी जिसको हम कहते हैं लेफ्ट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, उसके बाद पिंगला नाड़ी, राइट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सूर्य नाड़ी, जो भी आप कह लीजिए, इन दोनों का निर्माण करती है इच्छा और क्रिया का। उसके बाद वो शक्ति धीरे धीरे नीचे उतरती है, ऊपर से अलग अलग चक्रों को बनाती है, ऑप्टिक चाइज्मा, आज्ञा चक्र, विशुद्धि चक्र, हृदय चक्र, और जब हृदय पे आती है तो वो हमारे अंदर परमात्मा के उस अंश को जिसको कि आत्मा कहा गया है उसको प्रस्थापित करती है, और धीरे धीरे नीचे उतर के वो हमारे रीढ़ की हड्डी में एक ट्रायंगुलर बोन है, हम हाथ से कभी भी स्पर्श करके देख लेंगे। वो शक्ति वहां जाकर के कुंडल मार करके बैठ जाती है, कुंडल मार करके बैठती है, इसलिए इसको कुंडलनी शक्ति कहा गया है। निश्चित समय पर हमारा जन्म होता है, जन्म इसी एक इच्छा के साथ होता है कि हम मानव शरीर में आके परमात्मा से जुड़ करके जिंदगी गुजारें। लेकिन परमात्मा को जुड़ने के अलावा हम सब, कितने लोग ऐसे हैं जो यहां पे बैठे हैं जानते हैं कि परमात्मा को छोड़कर हम जिंदगी भर सारी चीजों से जुड़े रहे? एक बार हाथ उठा लीजिए। हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो ये जानते हैं कि हम परमात्मा से नहीं जुड़े, बाकी दुनिया की सारी चीजों से जुड़ गए, मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरे कपड़े, मेरी कार, हम पूरी जिंदगी हर चीज से जुड़े रहते हैं, शायद हम परमात्मा से जुड़ने का कभी सोचते ही नहीं। एक रूटीन में हम पूजा पाठ कर लेते हैं, चले जाते हैं। ये शक्ति जो आपकी व्यक्तिगत माँ है, जो हर बार आपके अंदर इसी एक इच्छा के साथ आती है कि इस मानव शरीर में आके हम परमात्मा से जुड़ करके जिंदगी गुजारें, उसका कहीं पर भी यह अभिप्राय नहीं होता कि परमात्मा से जुड़ने के बाद आप अपने घर परिवार को छोड़ दोगे, आपके एम्बिशंस खत्म हो जाएंगे, हम जी करके करेंगे क्या, ऐसा कुछ नहीं। जब आप उससे जुड़ जाते हैं और उसके बाद अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, आप देखते हैं कि सबसे बड़ी बात यह है कि जो आज तक हमने अचीव करा उसको पाने के बाद भी हम ये नहीं कह पाते कि अब हमें कुछ और नहीं चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए उसके बाद। तो परमात्मा से जुड़ने का जो एक सबसे बढ़िया और सुंदर अनुभव है वो ये होता है कि उससे जुड़ने के बाद आप जो भी आपको मिल रहा है, आप सबसे पहले उसका आनंद लेना शुरू करते हैं। जो थोड़ा कम हो गया कोई बात नहीं, कल ज्यादा मिल जाएगा, अगर कल ज्यादा भी मिल गया तो भी आप उसमें इतने हाइपर नहीं हो जाते कि मैं इसका क्या कर डालूं। आप हर एक क्षण को जीना शुरू कर देते हैं, ये आपके अंदर बैठी हुई इस शक्ति की विशेषता है। श्री माता जी कौन है कौन नहीं है ये अभी अगर आपसे बात करेंगे तो शायद उतना आपको मजा ना आए, लेकिन आपके अंदर बैठी हुई ये कुंडलनी की शक्ति वो जानती है कि सामने कौन है। कैसे जानती है? आप देखिए, एक बच्चा होता है ना छोटा सा, 1, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन उसके जन्म को हुए होते हैं, न्यूली बॉर्न बेबी, आप उसको उसकी माँ की गोद से अलग कर दीजिए, ठीक है?
अलग अलग बहन या माँ की गोद में आप उसको दे दीजिए, वो काबू नहीं आएगा। वो कैसे पहचानता है, उसको तो बोलना भी नहीं आता, उसकी आंखें भी नहीं खुली हैं। ठीक है, आपने जवाब दे दिया। ये कुंडली की जो शक्ति है ना, वो जानती है वो सामने कौन बैठी है, इसलिए हम बहुत ज्यादा आपको बताने की जरूरत नहीं है। ठीक जिस प्रकार एक नया बच्चा जन्म लेने के बाद अपनी माँ को पहचानता है और वो ये जानता है कि माँ ही एकमेव वो साधन है जो उसकी सारी समस्याओं को हल करेगी। भूख लगेगी तब भी वो माँ की तरफ भागेगा, तकलीफ होगी, दर्द होगा, तब भी वो माँ की तरफ भागेगा। तो यही एक विशेषता है आपकी कुंडलनी की कि जब हम श्री माता जी के आगे दोनों हाथ आराम से खोल करके बैठते हैं तो वो जो आपके अंदर की शक्ति है वो ये जानती है कि श्री माता जी कौन है। और जब ये शक्ति जागृत होती है, सहयोगा में अक्सर आपने पढ़ा होगा, शायद पैम्फलेट्स भी आपने देखे होंगे कि आपकी कुंडलनी के जागरण के बाद आपकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। वो कैसे हो जाती हैं? क्योंकि जैसे अंधेरे में हम यहां से वहां तक जाएंगे तो खुद भी चोटिल होंगे और 10 लोगों को और भी चोटिल करेंगे, लेकिन किसी भी तरीके से इसको प्रकाशित कर दिया जाए, आलोकित कर दिया जाए इस स्थान को, तो उसके बाद ना तो आप अपने को जख्मी करोगे ना दूसरों को करोगे। जब आपके अंदर उस कुंडलनी शक्ति का जागरण हो जाता है, उसके बाद ये जब जब आप ध्यान में बैठते हैं, ये आपके चक्रों से होती हुई गुजरती है और आपका संबंध परमात्मा की उस जीवंत शक्ति से करती है जो सारी सृष्टि को चला रही है। एक शक्ति वो है जो हमारे अंदर हमारी सांसों को, हमारे हृदय को स्पंदित कर रही है, हमारे जीवन की देखभाल कर रही है, हमारी जीवंत क्रियाओं की देखभाल कर रही है, और एक शक्ति वो है जो सारी सृष्टि को संभाल रही है, उसकी सारी जीवंत चीजों को संभाल रही है। जैसे ही आपके अंदर ये इच्छा आती है कि हे परमात्मा मैं कौन हूं, आपकी ही ये शक्ति, कोई विशेषता नहीं है हमारी, आपकी ही वो शक्ति उठती है, आपके छहों चक्रों को एक माला में पिरोते हुए आपका संबंध परमात्मा की उस असीमित शक्ति से कर देती है जो सारी सृष्टि को संभाल रही है। और उसके बाद क्या होता है कि जब भी आप ध्यान धारणा में बैठते हैं, पहली बात तो ध्यान करना नहीं पड़ता, जैसे नींद के लिए हमें कुछ सोचना नहीं पड़ता ना, जब नींद आती है तो आप सो जाते हैं, उसी प्रकार धीरे धीरे क्या होता है कि आप ध्यान में अपने आप उतरना शुरू हो जाते हैं। और जैसे जैसे चाहे 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट, बहुत ज्यादा तो श्रीमाता जी ने हर चीज को मना करा है, आप देखेंगे कि आप 10 मिनट भी हाथ खोल करके बैठेंगे इस कुंडलनी की जागृति के बाद, जो सब आंखें बंद हो चाहे खुली हो, अगर आपका ध्यान सर के तालु भाग पे से हट गया आपको महसूस नहीं हो पाएगा। एक बार अपने राइट हैंड से देखिए, हाथ को आगे पीछे ऊपर नीचे करके देखिए, एक बार फिर से लेफ्ट हैंड से कंफर्म कीजिए। ये वो चैतन्य है जिससे सारी सृष्टि चलती है, यही वो परमात्मा की शक्ति है जो सारी जीवंत चीजों को संभालती है, जिसका अनुभव हम अपने हाथों पर और सर के तालु भाग पे कर रहे हैं। अब अपने दोनों हाथ आकाश की तरफ कर लीजिए। यहां पर एक प्रश्न अपने मन में 3 बार कीजिए कि हे परमात्मा क्या यही वो शक्ति है जो सारे जीवंत कार्य करती है। 3 बार इस प्रश्न को कीजिए और आप देखिए आपको अपने हाथों पर ठंडा ठंडा चैतन्य परमात्मा के जवाब के रूप में मिलना शुरू हो जाएगा। आप प्रश्न कीजिए पूरे हृदय से, हे परमात्मा क्या यही वो आपकी शक्ति है जो सारे जीवंत कार्य करती है। 3 बार इस प्रश्न को कीजिए और आराम से अपने हाथों को नीचे रख लीजिए। अब सिर्फ 1-2 मिनट के लिए आंखें बंद करके बैठ जाइए। चाहे तो श्री माता जी की तरफ देखते रहिए या आंखें बंद कर लीजिए। आप देखेंगे कि जैसे ही कुंडलनी की जागृति की ये घटना घटती है, इसका जो सबसे पहला आशीर्वाद है कि हम निर्विचार हो जाते हैं। वी अटेन द स्टेट ऑफ थॉटलेस अवेयरनेस। दिस इज द बिगेस्ट ब्लेसिंग ऑफ श्री माता जी। वंस दिस कुंडलनी इज अवेकेंड एंड द बिगेस्ट ब्लेसिंग एंड द फर्स्ट ब्लेसिंग इज दैट वी अचीव द स्टेट ऑफ थॉटलेस अवेयरनेस। आप देखेंगे कि आपके विचार चाह करके भी नहीं आएंगे।
हम सिर्फ आपके साथ एक दो मिनट बातचीत करेंगे। वैसे तो इतनी सुंदर अवस्था के बाद जो भी भाई बहन आज पहली बार आए हैं, कितने ऐसे लोग हैं जिनको विचारों की शांति का अनुभव हुआ? हाथ उठा लीजिए। सिर्फ एक ही सबसे बड़ा अनुभव, बाकी सब तो मिल ही जाएगा। क्या एक दो क्षण भी हमारे विचार शांत हुए? क्योंकि वो जो एक दो क्षण होते हैं, वो श्री माता जी ने बताया है कि जब आप ध्यान में बैठते हैं कुंडलनी की जागृति के बाद, तो इन्हीं एक दो क्षणों में परमात्मा की वो शक्ति दोबारा आपके अंदर प्रवेश करती है और आपकी चीजों को व्यवस्थित करना शुरू करती है।
की सब बज कलंदर Ali Dam 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 Dam
जय श्री माता। थैंक यू। Давайте Махамая Махакали, запивайте. Запивайте. Мужчина, запивайте. Начинай вместе, там тоже будет играть. Два куплета, जय श्री माता जी। पीछे बिस्लेरी की बॉटल्स रखी हैं, प्लीज़ आगे म्यूजिशियंस के लिए ले आइए। राजीव भैया, एक दो युवा शक्ति उठ करके राजीव भैया एक बार से ले जाओ। Shera Bali, Bhavani Nirmal Ma,
जय श्री माता जी। जिन लोगों ने भी गेस्ट को इनवाइट करा है, हमारी विनती है कि पहले प्रयास करें कि कोई भी बिना प्रसाद के या डिनर के ऊपर ना जाए। पहले हम गेस्ट के लिए डिनर करवा देते हैं, फिर हम लोग बैठे हैं साथ में। एक सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट है कि जितने भी गेस्ट आए हैं, ध्यान रखिए कि कोई भी बिना प्रसाद लिए या डिनर के ना जाए। पहले उनको डिनर कराइए ऊपर। राजीव, जय श्री माता जी। अ स्मॉल टोकन ऑफ लव फ्रॉम लुधियाना कलेक्टिविटी। शीनू दीदी जहाँ कहीं पर भी हो, कृपया करके स्टेज पर आ जाए। शीनू दीदी प्लीज स्टेज पे आ जाए। भैया आप आ जाइए प्लीज। Thank you.
रायन जसमेहर जसमेहर जो गाड़ी में और गिफ्ट पड़े हैं जेंट्स के वो ले आइए। अगर आप भी ऊपर आ जाइए नीतीश जी। एक सभी सहयोगी से रिक्वेस्ट है जो भी गेस्ट आए हैं। Dear Sahaji Yogis, we also would like to say thank you from our Yogdhara team. It was very nice and such a lovely place and this beautiful ashram. We were so happy to perform here. So we also have a small present for our Yogdhara team. So auntie. This is a small present from our Yogdhara team. So yes, thank you so much. It was very nice to be here. Thank you so much. बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने आज ये हमें यहाँ पर अवसर दिया, स्पेशली विवेक भैया और शीनू दीदी का, क्योंकि बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे ये आज का कार्यक्रम ऑर्गेनाइज हुआ था। लुधियाना में श्री पूजा थी और उसी समय मैंने भैया को फ़ोन किया था, तो भैया ने बोला, कुछ बिना सोचे उन्होंने बोला कि आप आ जाओ, तो हम उनका बहुत ही शुक्रगुजार हैं पूरी योगधारा टीम की तरफ से। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।